सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज इंटेलिजेंस की सीरीज में सेकंड लेक्चर, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कल ही हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पे बात की है, एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, टीटीस, केबीएस, एनबीएस एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। ओके, एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप explore_education, बिकॉज ऑल फीडबैक्स, क्विजेस, पोल्स एटसेट्रा वी आर डिस्कसिंग देयर, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। Yesterday we have talked about history of intelligence, how intelligence has evolved in the psychology, how intelligence, who are the psychologists, who were the psychologists who have talked about intelligence, and now the concept of intelligence. यानी कि बुद्धि के बारे में हमने बुद्धि का इतिहास जान लिया, कैसे किन किन वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने, साइकोलॉजिस्ट ने बात की है उस पर। ये जानने से पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इंटेलिजेंस का। तो अगर हम इसका उत्पत्ति के हिसाब से देखें, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग देखें, तो द वर्ड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब इंटेलिगेर, व्हिच मींस अंडरस्टैंडिंग, एक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस कि लैटिन वर्ब बहुत सारे, हम लोग जितने भी जहां तक शब्द पढ़ते हैं इंग्लिश में, अक्सर उनकी लैटिन उत्पत्ति ही होती है। तो ये भी इंटेलिगेर से लिया गया है। कहीं कहीं आप इंटेलिजेंशिया भी पढ़ेंगे, उसे और इंटेलिगेर से लिया गया है। और इसका अर्थ है कि समझ, या हम सूचना को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसका संग्रहण करते हैं। देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंटेलिजेंस क्या हो गया, इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉग्निटिव एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्योंकि प्रोसेसिंग और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये सब ह्यूमंस की कैपेसिटी है, और वो भी मेंटल एबिलिटी कैपेसिटी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया कि इंटेलिजेंस क्या है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है। देन There are animal and plant intelligences too. कल ही हम लोग ने बात की, पिछले वीडियो में हमने बात की कि डार्विन साहब कहते हैं, वो तो ये यहाँ तक कह रहे थे कि जो नॉन ह्यूमन है और ह्यूमन है, दोनों की इंटेलिजेंस सेम है, मैटर का सिर्फ डिग्री का फर्क है, काइंड का फर्क नहीं है। लेकिन हम ये तो जानते ही हैं कि चलिए एक समान नहीं है, लेकिन एनिमल्स भी इंटेलिजेंसेस रखते हैं। आपके जितने भी हमने साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट पढ़े, या हम देखते हैं चिंपैंजीज, डॉग, ये सब हमको इंटेलिजेंट हैं, ये इंटेलिजेंस अपनी शो करते हैं। इवन प्लांट्स हैव शोन इंटेलिजेंसेस, है ना। तो एनिमल के पास भी इंटेलिजेंस है, प्लांट के पास भी इंटेलिजेंस है, एंड नाउडेज देयर इज अलाउ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जब हम मशीन इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। लेकिन हमारा जो संबंध है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस ओनली। ओके, एंड अगर हम परिभाषा पे जाएं कि कैसे कैसे परिभाषित किया गया है बुद्धि को, तो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, तो क्या मिलता है हमको कि दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी हमको ये बताती है कि जो बुद्धि है वो एक तरीके की शक्ति है, और शक्ति किस चीज की है कि हम कुछ ग्रहण कर सकें, हम कुछ सीख सकें, हम कुछ समझ सकें और हम कुछ जान सकें। और अगर इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट, देखिए हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, ज्यादातर क्या, मोस्टली ऑल साइकोलॉजिस्ट, वो हमको वेस्टर्न परस्पेक्टिव के मिलते हैं, बिकॉज वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का ही काम है मेरी इंटेलिजेंस पे यहाँ का। लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट भी है बुद्धि को लेकर, वो क्या कहता है, डिफाइंड एज, वो बुद्धि को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिसीजन मेकर। मतलब कि बुद्धि जिसके पास होगी वो निर्णय लेने की क्षमता होगी, और एक इनर इंस्ट्रूमेंट है, एक आंतरिक शक्ति है, जिससे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, विजडम, देखिए हमेशा बुद्धि से ऊपर विवेक को माना जाता है, प्रूडेंस, इमोशन, सोसाइटल वैल्यूज एंड रिलेशंस। अगर ये सब कुछ हम रखते हैं, इसका मतलब कि हम बुद्धि रखते हैं या हम बुद्धिमान हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें इंटेलिजेंस की, तो बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलती हैं, जिसमें से अल्फ्रेड बिने, चूंकि इनका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग में नाम लिया जाता है, तो अल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। मतलब कि बुद्धि वो क्षमता है, वो योग्यता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं और सही तरीके से तर्क कर सकते हैं। फिर
थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, मतलब कि डेफिनेशन अपने आप में समाहित करी बहुत सारी चीजों पे, थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, इट इज इंटेलिजेंस इज वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस। थॉर्नडाइक हमको ये बता रहे हैं कि बुद्धि वो है, वो क्षमता है जिससे जो व्यक्ति है वो परिस्थितियों के हिसाब से इफेक्टिवली डील कर सकता है। कोई भी उसके पास स्ट्रेस है तो उसके संग वो कोप अप कर सकता है। फिर डेविड बेशलर की डेफिनेशन इंटेलिजेंस में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है, एक तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन भी है और स्टूडेंट्स को अक्सर इवन इंटरव्यू वगैरह में अगर आपसे इंटेलिजेंस पर सवाल पूछा जा रहा है तो हमको एक दो डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए जिसको हम तुरंत कोट कर सके। फिर अपने शब्दों में बताने के लिए तो बहुत कुछ रहता है पर डेफिनेशन कोट करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए, तो उसके लिए डेविड बेशलर की डेफिनेशन परफेक्ट है। क्या है ये? द एग्रीगेट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू act purposefully, think rationally and deal effectively with his environment. मतलब देखिए कितनी कितनी beautiful definition है ये कि जो व्यक्ति है वो अपने वातावरण के साथ purposefully act कर सके, मतलब हम निरुद्देश्य नहीं भटक रहे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो निरुद्देश्य नहीं भटकेगा, हमेशा उसके पास कोई काम होगा वो purposefully act करेगा, rationally think करेगा। irrational thinking की वजह से दुनिया में बहुत सारे crimes होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर हम rational thinking हमारी होगी तो बहुत सारी करें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। एंड डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपने वातावरण, और वातावरण में देखिए सब कुछ आ जाता है, हमारे लाइफ स्पेस में जितना कुछ है वो सब हमारे वातावरण का हिस्सा है, तो हम अगर अपने वातावरण के संग प्रभुत्वपूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं, हम तर्कपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं और अगर हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं तो ये ग्लोबल कैपेसिटी जो है इंडिविजुअल की वही उसको बुद्धिमान बनाती है या वही उसकी बुद्धि कहलाती है। तो आई लाइक दिस डेफिनेशन। एंड देन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, देखिए आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में तो हम जानेंगे कि ये सब लोग इंटेलिजेंस से बहुत मेन इनका कंट्रीब्यूशन है। ऑल्फ्रेड बिनेट जो है वो साइमन हमको पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहे हैं, थॉर्नडाइक हमको शुरुआत में एक तरीके से देखिए तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कंसेप्ट इन्हीं से आता है, फिर डेविड बेशलर का टेस्ट है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, मतलब सबका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कह रहे हैं कि द मेंटल एबिलिटीज नेसेसरी फॉर अडैप्टेशन टू एज वेल एज शेपिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एनी एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट इज इंटेलिजेंस, मतलब वो मानसिक योग्यताएं जो अनुकूलन के लिए आवश्यक हैं और जो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के संग हम शेप कर सके, सिलेक्शन कर सके, चूज कर सके, और मतलब एक तरीके से ये इसको किस पर बल दे रहे हैं, अडैप्टेशन पे बल दे रहे हैं। कौन? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। फिर हॉवर्ड गार्डनर को हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के लिए याद करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर कैसे डिफाइन कर रहे हैं इंटेलिजेंस को? टू माई माइंड अ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस मस्ट इंटेल अ सेट ऑफ स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इनेबलिंग द इंडिविजुअल टू रिजॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज दैट ही और शी काउंटर्स एंड व्हेन एप्रोप्रिएट टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड मस्ट ऑल्सो इंटेल द पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग और क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर बाय लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। मतलब बहुत सारी चीजें ये बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, फिर हम इफेक्टिवली हम कुछ क्रिएट भी कर सकें, हम प्रॉब्लम को उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकें और एक नए ज्ञान के लिए हम ग्राउंड वर्क तैयार कर सकें। तो इनकी भी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट डेफिनेशन है। फिर हम ये पाते हैं कि बहुत से लोग डेफिनेशन दे रहे थे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाए। देखिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंटेलिजेंस को ये नहीं है कि हमने ये काम कर दिया तो हम बुद्धिमान है, हमने ये नहीं किया तो हम बुद्धिमान नहीं है। इतना मल्टी डायमेंशनल है, इतनी सारे इसके हम एस्पेक्ट्स ढूंढ चुके हैं और अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन मुश्किल है। तो बात करते हैं तो टर्मेन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन थॉर्नडाइक की हम बात कर चुके, वो लोग डिफर्ड ओवर द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। जब ये लोग आपस में काम कर रहे थे, एक समय में काम कर रहे थे इंटेलिजेंस पे, तो आपस में ये विभिन्नता हो गई इनकी कि इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाए। टर्मेन साहब कह रहे थे कि टर्मेन स्ट्रेसिंग द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब टर्मेन साहब का बल था कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करवाते हैं, हम अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता है वो बुद्धि के लिए जरूरी है, जबकि थॉर्नडाइक क्या कह रहे थे
Thorndike emphasizing learning and the ability to give good responses to questions. जबकि Thorndike का बल था, Thorndike ने बल दिया कि सीखना और वो क्षमता, वो योग्यता जिससे हम questions के जल्दी answer दे सकें, बढ़िया response दे सकें, वो हमको intelligent बनाती है. तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे, और चूंकि बहुत मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसलिए किसी ने किसी एस्पेक्ट को लिया, किसी ने किसी एस्पेक्ट को लिया, लेकिन फिर भी हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस. क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस? इज द मेंटल क्वालिटी. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो मानसिक हमारी क्षमता है, मानसिक योग्यता है, मानसिक कैपेसिटी है, जिसमें क्या होना चाहिए, दैट कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. यानी कि अगर हम अपने अनुभवों से सीखते हैं ये तो बुद्धिमान है, और अगर हम नहीं सीखते हैं बुद्धिमान नहीं है. इसका मतलब क्रक्स क्या है कि हमको सीखना चाहिए. देन अडैप्ट टू न्यू सिचुएशंस. अगर देखिए कोरोना आया, हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए, जो हो गए वो बुद्धिमान है, जो नहीं हो पाया वो बुद्धिमान नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने नई सिचुएशन के संग अडैप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं. तो ये होना चाहिए, हमको नई जब सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी तो उसके संग अडैप्टेशन करना ही होगा. देन अंडरस्टैंड एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो हमें दिख नहीं रहा है. जैसे कि हम जब बीजगणित पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि माना कि एक खेत ये है, उसकी एक भुजा क है, उसकी एक भुजा ख है, तो वो मानते हैं, वो हमको दिखता नहीं है. तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये हमको इंटेलिजेंस की क्षमता है, इंटेलिजेंस की खूबी है. देन एंड यूज नॉलेज टू मैनिपुलेट वंस एनवायरनमेंट, और हम अपने ज्ञान का प्रयोग भी कर सकें अपने एनवायरनमेंट के मैनिपुलेशन में. ये एक क्रक्स के रूप में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ये है. और अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, देखिए आप किसी की भी डेफिनेशन उठा के देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं, जरूर ये कह रहे हैं कि अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, अगर हम अपने वातावरण के संग अनुकूलन नहीं कर सकते हैं तो हम इंटेलिजेंट नहीं है. जैसे कि डार्विन, जो इतने 100,000 साल पहले की बात है, आई एम नॉट रिमेम्बर द ईयर, इतने साल पहले जब ये बात कर रहे हैं, जब थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वो बात करते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं, वहां भी अडेप्टेशन की बात की जा रही है कि हमको अनुकूलन करना है अपने वातावरण के संग. अगर हम अनुकूलन कर पाते हैं हम बुद्धिमान है, अगर हम अनुकूलन नहीं कर पाते हैं मतलब वी आर नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट. और अनुकूलन में क्या क्या लगेगा, कौन कौन से हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, परसेप्शन, हम चीज को पहले तो हम प्रॉब्लम को परसीव करेंगे ना, फिर लर्निंग, हम कुछ सीखेंगे, जब सीख लेंगे तो हम पुरानी गलतियां दोहराएंगे, मेमोरी, जो सीखेंगे उसको याद रखेंगे, रीजनिंग, तर्क करेंगे, रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी. मतलब इतने सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो अडेप्टेशन के लिए जरूरी हैं. देन अब हम कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हैं ना कि इंटेलिजेंस ये है. क्या 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 है इंटेलिजेंस? इनेट नेचुरल एंडोमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि हम आंतरिक एकदम प्राकृतिक एंडोमेंट है चाइल्ड का. फिर इट हेल्प्स द चाइल्ड इन मैक्सिमम लर्निंग इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में अगर बच्चा सीख लेता है इसका मतलब ही इज इंटेलिजेंट. देन एबल टू फोर्सी एंड प्लान अकॉर्डिंगली, यानी कि हम भविष्य को थोड़ा सा मतलब दूरदृष्टा हूँ और हम अकॉर्डिंगली योजना बना सकें तो हम बुद्धिमान हैं, या बुद्धिमान व्यक्ति की ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. देन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कहा जाता है ना बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने पुरानी की हुई गलतियों से सीखता है, जो अपने पुराने अनुभवों से के आधार पर अच्छे निर्णय लेता है आगे, तो उसका लाभ ले सके. देन develops a sense of discrimination between right or wrong, जो wisdom की बात इंडियन सिस्टम में कही जा रही है वो ये है कि हमको सही और गलत के बीच में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए, विभेद करने का सेंस होना चाहिए इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास, या दूसरे शब्दों में इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास ये सेंस होता है. देन मोस्टली डिटरमाइंड बाई हेरिडिटी बट अ सूटेबल एनवायरमेंट नेसेसरी टू इम्प्रूव इट. कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि नेचर नर्चर डिबेट जो है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो मेनली हेरिडिटी द्वारा डिटरमाइंड है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया जीन्स के संग आप पैदा हुए लेकिन आपको एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला तो आपकी बुद्धि फिर वो नहीं फ्लरिश करेगी. और वो सूटेबल एनवायरनमेंट एक जरूरी है मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के लिए. देन
दो पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ, इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस एंड कल्चर। इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट में क्या कि ये अक्सर आता है सवाल या पूछा जाता है या मन में आता है कि कब तक हम हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है, या जीवन पर्यंत डेवलप होती है या एक समय अंतराल के बाद रुक जाती है, तो वो समय सीमा क्या है। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो समय सीमा पर तो डिफर करते हैं, कोई कहता है 14 साल, तो कोई कहता है 16 साल, तो कोई बोलता है 20 साल तक भी, कोई और 15 साल की बात करता है। लेकिन सभी ये मानते हैं कि उस एज लेवल के बाद हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होना बंद हो जाती है, मतलब वो हमारा मैक्सिमम होता है। फिर बल्कि आप कह सकते हैं कि ये कहा जा सकता है ना, जैसे उम्र के साथ, जैसे फ्लूइड एंड हम लोग कैटल की जब थ्योरी पढ़ते हैं इंटेलिजेंस की, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करता है, तो वो तो फ्लूइड है, मतलब वो समय के संग तरल रूप में चल रही है आगे। लेकिन जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस है वो क्या है कि समय के साथ वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मतलब नई चीजों को सीखने की क्षमता, वो एक हिच आ जाता है हमें, हम डेवलप नहीं कर पाते। तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में क्या कि एक सर्टेन एज पीरियड तक, सर्टेन लाइफ स्पैन में, सर्टेन टाइम तक हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होगी और उसके बाद नहीं डेवलप होगी। देन उसके बाद उसकी समय वो गति रुक जाएगी। देन इंटेलिजेंस एंड कल्चर, देखिए जब हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग पढ़ते हैं तो कई टेस्ट हम पढ़ते हैं किस हिसाब से, क्रॉस कल्चरल टेस्ट, मतलब कि कल्चर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस करते हैं, वो कहा जाता है कि किसी भी कल्चर में आप उसको कर सकते हैं, किसी कल्चर की बाउंडेशन से वो फ्री है। लेकिन कल्चर भी जो है वो इंटेलिजेंस को इफेक्ट करती है, मतलब किसी कल्चर में आप कोई एक्ट करें वो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, और वही एक्ट अगर आप दूसरे कल्चर में करेंगे तो इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे। कहने का ये मतलब यानी कि जो संस्कृति है आपकी वो भी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को इम्पैक्ट करती है, यानी कि दोनों का आपस में संबंध है। ओके, तो अ न्यू एंट्री इन माई वीडियो। अब से हम लोग क्या करेंगे कि हर वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे उस पर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अभी तो दो ही हैं आज, और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। या हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका आंसर शेयर कर सकते हैं, या वहाँ पे आपसे बातचीत हो सकती है। टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने का पर्पज यही है कि सिर्फ वन वे चल रहा था वीडियो के फॉर्म में, लेकिन अगर एक एक चैनल होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पे टू वे प्रोसेस हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं, हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए ही टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है। सो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। एंड द क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस क्या है, इनबॉर्न एबिलिटी टू परफॉर्म वेल ऑन स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है, या एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस है, या जनरल ट्रेट है दैट अंडरलाइज सक्सेस ऑन नियरली एनी टास्क, या मल्टीपल अरेज ऑफ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एडेप्टिव ट्रेट्स। तो ये आपको सोचना है कि इंटेलिजेंस क्या है। Then next question is, written exam for a driver's license would most likely be considered A or N. किस तरीके का एग्जाम दिया जाएगा रिटेन एग्जाम जब ड्राइवर के लाइसेंस के लिए हम लोग जाते हैं? अचीवमेंट टेस्ट होगा, या रिलायबिलिटी टेस्ट होगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, या इंटेलिजेंस टेस्ट होगा? तो इन दो सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टाइप एक्सप्लोर अंडरस्कोर एजुकेशन एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम, स्कैन टू ज्वाइन। ओके, सो थैंक यू एंड डू ज्वाइन माई चैनल and done from my side.